हम सोच रहे हैं कि देखो तुम्हें बेसिक कॉन्सेप्ट दे, उससे क्या होगा, फिजिक्स हम पढ़ रहे हैं, फिजिक्स लॉजिकल है, ठीक है, बेसिक दिए, स्ट्रेट क्वेश्चन तुमको डायरेक्टली हम भेजेंगे, क्लास में नहीं करवाएंगे, ट्राई मारो, वापस से हम लोग डिस्कस करेंगे जिस दिन का डॉट क्वेश्चन होता है सैटरडे को, तो वो ज्यादा सही रहेगा, ठीक है, ज्यादा सही रहेगा। बहुत टीचर लोग ऐसे ही करता है, मतलब क्या किया, रेडीमेड क्लास में वैसा ही क्वेश्चन करवाया, बनाने के लिए वैसा ही दिया, अब बुक बनवा रहा है तो बुक में जैसा क्वेश्चन है वैसा क्वेश्चन क्लास में भी करवा दिया, बुक भी बचा गया, खूब कुछ बच्चा भी क्वेश्चन बन रहा है, मेरा ही बन रहा है, बट नया क्वेश्चन क्रैक करने का लेडीज बच्चे में डेवलप नहीं हो पाता है, देखा देखा क्वेश्चन होगा तो वो कर लेगा, वही बोर्ड्स वाला हाल हो गया, देखा हुआ है क्वेश्चन गए, वही क्वेश्चन आएगा आप कर लेंगे, तो वो हम नहीं चाह रहे, ठीक है। एक क्वेश्चन दिमाग में अचानक से आ गया, फोर्स का फंक्शन टाइम के रिस्पेक्ट में दे करके, और फिर पूछ लेता है कभी कभी, ठीक है, सोचना वैसा क्वेश्चन हम शेयर करेंगे पीडीएफ बना करके, सोचना वापस से नहीं बनेगा तब डिस्कस करेंगे, बेसिक तुम लोग को बता दें, वो क्वेश्चन हम सोच रहे हैं नहीं करना, छोड़ देते हैं, ध्यान में अचानक से आया, चलो ठीक है, तो ये हो गया, अब हम लोग अगले सेशन में मूव करेंगे, देखो तो अगला सेशन क्या है, वर्क डन बाय एन इंटरनल फोर्स, अगेन वर्क डन पूरा अपना कंप्लीट हो गया हर तरह का, ये भी उसी में आने वाला ऊपर दो में ही, तो इसमें ज्यादा टाइम लगेगा नहीं, ठीक है, ये भी खत्म हो जाएगा, और ये सेक्शन का भी बेसिकली तुम लोग को हम आइडिया दे दिए, तो अब अगला दो सेक्शन का लगभग समझ लो तो अपना प्लेटफॉर्म बन चुका है, टाइम नहीं लगने वाला फोर्थ और फिफ्थ सेक्शन में, तो चलो हेडिंग डाल दो, अब अगला सेक्शन फोर्थ सेक्शन, वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स, इंटरनल फोर्स, वर्क डन बाय एन इंटरनल फोर्स, इंटरनल फोर्स का वर्क डन कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला सेम रहेगा, वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रल एफ डॉट डी आर, उठा के उसको लाते हैं, बोले ही थे अब कुछ भी स्टार्ट करेंगे हम वहीं से स्टार्ट करने वाले, चलो हमें इंटरनल फोर्स का वर्क डन निकालना है, इंटरनल फोर्स मतलब क्या हुआ, एक से अधिक ऑब्जेक्ट आपस में इंटरैक्शन कर रहा होगा, उसके अंदर का जो फोर्स है वो हो गया इंटरनल, समझ में आ रहा है, पहले इंटरनल फोर्स बता चुका ऑलरेडी, तो पहले तो इंटरनल फोर्स का मतलब पता होना चाहिए, तो होपफुली अपनों को पता होगा, ठीक है, हम सिंपल सा एग्जांपल ले रहे हैं, सिंपल सा एग्जांपल ले रहे हैं, सबसे सिंपल, ये तुम्हारा ग्राउंड, ग्राउंड एक ब्लॉक, ये दूसरा ब्लॉक, ये दूसरा ब्लॉक, ठीक है, ये मान लो एक केजी का है और ये तुम्हारा दो केजी का ब्लॉक है, ठीक है, दो केजी का ब्लॉक, अब चलो फ्रिक्शन लेस, फ्रिक्शन वगैरह नहीं मानना, फ्रिक्शन वगैरह नहीं मानना, ठीक है, अगर नहीं मानोगे तो साथ चल पाएगा क्या, अगर मान लो हम फ्रिक्शन नहीं मानोगे तो साथ नहीं चल पाएगा, ऐसा लगता है, हम फोर्स अगर लगाएंगे तो, क्या करे तो क्या चेंज लाए, चलो तो ऐसा करते हैं हम लोग, चलो ऐसा करो, देखो मतलब ऐसा तुम मान के चलो, देखो यहाँ हम सपोज एक्शन को बना रहे हैं फोर्स, ठीक है, इसको क्लियर ही कर दे, चलो पहले इंटरनल फोर्स देखते हैं फिर वर्क डन पाएंगे, इन दोनों के बीच यहाँ पे कांटेक्ट हो रहा है तो यहाँ पे इंटरनल फोर्स आएगा, दूसरा ब्लॉक दाहिने वाला ब्लॉक बाएं वाले ब्लॉक पर नॉर्मल लगाएगा और बाएं वाला ब्लॉक दाएं वाले ब्लॉक पर नॉर्मल लगाएगा, दोनों नॉर्मल का वैल्यू सेम होगा बाय न्यूटन शॉर्ट लॉ, बट डायरेक्शन अपोजिट, वो दिखा रहे हैं इंटरनल फोर्स, दिखा रहे हैं एक्सटर्नल फोर्स, अपने अपने को इंटरनल फोर्स का वर्क डन निकालना है, एक्सटर्नल से वैसे भी अभी मतलब है नहीं खास, तो हम इस डायग्राम को थोड़ा सा अलग करके बना जस्ट समझने के लिए, ऐसा कुछ और थोड़ा सा गैप देके बना रहे थे समझ में आया, हालांकि दोनों कॉन्टेक्ट में जैसा तुम मान के चलो, तो ये वाला ब्लॉक इस वाले ब्लॉक पे, इस ब्लॉक को बोल दो ए, नाम दे दिए जस्ट, इस ब्लॉक को बोल दे बी, तो
ए वाला ब्लॉक बी वाले ब्लॉक पे जो नॉर्मल लगा रहा है, नॉर्मल क्या हम उसको जनरल फोर्स ही बोल रहे हैं, किसी भी तरह का नॉर्मल हो, कोई भी इंटरनल फोर्स टेंशन भी तो हो सकता है, सिस्टम वैसा लोगे तो यहाँ पे एफ ही लिखना तो लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है, जनरल लिख रहे हैं, कोई भी इंटरनल फोर्स हो सकता है, एग्जांपल ये नॉर्मल का इंटरनल फोर्स कुछ भी हो सकता है, रस्सी अंदर में होगा तो भी इंटरनल हो सकता है, सिस्टम लेने पे डिपेंड करता है। तो इसका सिंबल जस्ट बता दें, ऐसे भी कुछ भी लिखा होता है, परे हो गए नाइन्थ वगैरह में से लिखा हो, मिलता होगा फोर्स ऑन बी एफ बी है, सिंबल है, फर्क पड़ता नहीं है उसे खास, ठीक है। इसका मतलब होगा बी पे फोर्स जो ए लगाया, इसका उल्टा ए पे फोर्स बी लगाया, फोर्स ऑन ए Due to B. अब हम बोले भाई ये बताओ, ये जो FAB आया है ये किस पे वर्क करेगा? उस पे वर्क करेगा, तो इस FAB के द्वारा A पे कितना वर्क किया गया वो निकाल के बताओ। तो कुछ नया नहीं है, जस्ट बोलने को बोल दिया इंटरनल फोर्स, तुम FAB लोगे और A का कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ वो देखोगे, और फिर दोनों का डॉट प्रोडक्ट अगर कांस्टेंट फोर्स है तो वेरियल फोर्स है तो इंटीग्रेट करोगे, समझ रहे हो? B पे कितना वर्क हुआ तो बोलोगे भैया B पे जो फोर्स लगा हुआ है BA है, उसका वर्क निकालेंगे B पे, तो इंटरनल फोर्स। अब बोले टोटल वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स, तब तुम क्या करोगे? बोलोगे भैया एक वर्क डन इस पे आया, एक वर्क डन इस पे आया, दोनों को टोटल बोला तो सिंपल। तो जस्ट हम यहाँ लिख रहे हैं, देखो यहाँ एक्सप्रेशन लिख रहे हैं, इसको हटाओ, एक्सप्रेशन लिख रहे हैं, हम यहाँ लिख रहे हैं वर्क डन ऑन ए बाय एफ ए बी। नहीं समझ में आया पूछ लेना, ठीक है, पहले बोल देते हैं, ये सिंपल चीज है, नया कुछ है नहीं। इज इक्वल टू हम बोलेंगे ये क्या होगा, एफ ए बी जो फोर्स आया उसका इसके साथ करो इंटीग्रेशन, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए के साथ लग रहा है, हम कांस्टेंट फोर्स जनरल इंटीग्रेशन वाला एक्सप्रेशन लिख रहे हैं, ठीक है, कांस्टेंट होगा फिर तुम डायरेक्ट कर दो फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, बट हम जनरल लेके चल रहे हैं, ठीक है। हालांकि ये तुम्हारा बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता क्वेश्चन वगैरह में, ठीक है, जस्ट अलग से बुक वगैरह में लिखा था इसलिए हम पढ़ा रहे हैं। इंटीग्रेशन ऑफ फोर्स एफ ए बी डॉट डी आर, बट डी आर किसका? ए का, ए का, बस ये तुमको समझना, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए, वेक्टर लगाना लगा दो, चूंकि वेक्टर ही ले रहे हैं, डॉट प्रोडक्ट वेक्टर का ही होता है, तो ये भी वेक्टर, ये भी वेक्टर, ये लिख लो वर्क डन ऑन ए बाय एफ ए बी। सिमिलरली वर्क डन ऑन बी, वर्क डन ऑन बी बाय एफ बी ए, ये वाला फोर्स कितना वर्क बी पे करेगा, नीचे लिखो उसको, या हम इसको हटाते हैं और इसको ऊपर लिख रहे, तुम लोग फॉलो कर लेना, वर्क डन नीचे उसके लिखना, वर्क डन ऑन बी, ये बी पे वर्क करेगा, जो फोर्स बी पे लग रहा है, बी पे कौन सा फोर्स लग रहा है, एफ बी ए, इज इक्वल टू सिमिलरली बोलो भैया इंटीग्रेशन, यहाँ पे भी इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ एफ बी ए डॉट डी आर आप किसका लेंगे, बी का, बी का जिसपे वर्क निकालना है, और ये इनिशियल टू फाइनल लिमिट तो कुछ तुम जो रहेगा टू से फोर जो भी हो, तो जस्ट लिखने के लिए लिख सकते हो यहाँ पे इनिशियल टू फाइनल, इनिशियल टू, ये आ गया इस पे वार्डन, ये आ गया इस वार्डन, कोई नया डेफिनेशन नहीं लगाया है, ये मत सोचना कि नया कॉन्सेप्ट कुछ हम लोग पढ़ रहे हैं, इसलिए बोलते हैं स्टार्टिंग में ही बुक वगैरह वाला लिखा होता, बट है वही एफ डॉट डी आर ही है, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन, तो अब बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ एफ ए बी जो है वो माइनस ऑफ एफ बी ए होगा, ये समझ पा रहे हो? तो इसको हम माइनस में कन्वर्ट करके इसके टर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, ये माइनस पीछे कर दो, माइनस तो कॉन्स्टेंट है, इंटीग्रेशन एफ बी ए अब क्या हो जाएगा, एफ ए बी, माइनस हम लगा दिए,
एफ ए बी, एफ ए बी ठीक है डॉट डी आर ओ बी चेंज नहीं होगा, ये ध्यान रखना, इसको मत करना डी आर ओ पे, तुम न्यूट्रल शॉर्ट लगा रहे हो उसमें डिस्प्लेसमेंट का कोई ये नहीं होगा, डी आर ओ बी है, ये लिखो पहले इतना लिखो, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन लिखो, इसको मान लो फर्स्ट, इसको मान लो सेकंड, और फिर हम डायरेक्ट इसको इरेज करने वाले हैं और फिर नीचे लिखने वाले हैं, इसलिए पहले लिख लो अच्छे से। एक्चुअली एक कंक्लूजन निकालना है यहाँ से हमको, ठीक है, तो एक तरह से डेरिवेशन करवा रहे हो उसका लॉजिक देने के लिए, ठीक है, डायरेक्ट लिखवाएंगे तो लिखवा सकते हैं बट उसका लॉजिक भी तो पता होना चाहिए। हो गया भैया, हो गया, हम इसको रेज करने वाले हैं और नीचे कुछ नहीं करने वाले, दोनों वर्क डन को ऐड कर रहे हैं, टोटल वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स निकाल रहे हैं, तो दोनों इंटीग्रेशन को ऐड कर रहे हैं, वैसे जस्ट बोल दें, देख लो अगर तुम इन दोनों को ऐड करेंगे ना तो क्या होगा, देखो तो इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन है, अंदर में तुम क्या कर सकते हो, एफ ए बी कॉमन ले सकते हो दोनों में, अब ब्रैकेट में आएगा डी आर ऑफ ए माइनस डी आर ऑफ बी, समझ पा रहे हो, मतलब ये सिंपल वही अलजेब्रा कॉमन लेके तो वही लिखने वाले, ठीक है, तो दोनों को ऐड करो और लिखो, खुद से लिखो तुम लोग, तब तक हम लिखते हैं इधर, तो हटाओ और हम नीचे लिखने वाले हैं सिंपल सिंपल, टोटल वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स, टोटल वर्क डन, वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स, एन इंटरनल फोर्स, सॉरी बाय एन इंटरनल फोर्स, नीचे एक्सप्रेशन लिख रहे हैं तुम लोग देखना, उन्हीं दोनों को ऐड कर रहे हैं तो कुछ ऐसा आएगा, इंटीग्रेशन सिंगल इंटीग्रेशन दोनों को ऐड कर दो, इनिशियल टू फाइनल लिमिट एफ ए बी था क्या दोनों में, जी ए बी कॉमन ले लिए, बिल्कुल सही, एफ ए बी कॉमन ले लिए, डॉट प्रोडक्ट विद डिफरेंस ऑफ डी आर ए माइनस डी आर बी, माइनस डी आर ए, वेक्टर लगाना डी आर में भी, हम नहीं लगाए हैं बट वेक्टर है वो, ये आ गया टोटल वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स। अब हम बोल रहे हैं यहाँ डॉट है, ध्यान रखना ये डॉट, हम बोल रहे हैं डी आर ऑफ ए माइनस डी आर ऑफ बी रिलेटिव पोजीशन वेक्टर ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी है, रिलेटिव का कांसेप्ट देखो, ए का माइनस बी का घटाओगे तो ए का आएगा बी के रिस्पेक्ट में, हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, आर ए भी नहीं डी आर ई बोलो, अभी इंटीग्रेशन नहीं किया उसको, डी आर ई बोलो, डी आर ए भी, एफ ए बी वाई सही आ गया डॉट डी आर ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, ए बी भी राइट लिख सकते हो बस ऐसा लिखे अंदर इनिशियल टू फाइनल, तो अब जस्ट यहां से कंक्लूजन देखो, अच्छा कंक्लूजन आ रहा है, कंक्लूजन ये आ रहा, हम लोग स्टार्टिंग में ही पढ़े थे वर्क डन इज इक्वल टू इंडिया लेफ्ट डॉट डी आर, चैप्टर स्टार्ट हुआ तो वहां से, तो बोले थे डी आर जो है डिस्प्लेसमेंट है, फ्रेम डिपेंडेंट क्वांटिटी है, इसलिए वर्क डन फ्रेम पे डिपेंड करता है, करेगा, बट टोटल वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स में देखो तो ऑलरेडी फ्रेम फिक्स हो गया बी के रिस्पेक्ट में, तो ये फ्रेम पे डिपेंड नहीं वाला, तो पॉइंट ये है द टोटल वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स इज फ्रेम इंडिपेंडेंट, भले ही वर्क फ्रेम पे डिपेंड करता बट इंटरनल फोर्स का खासियत क्या, अगर उसके तुम टोटल निकालोगे ना, बोल रहे टोटल, अगर इंडिविजुअल निकालोगे फिर वो डिपेंड करेगा, फर्स्ट इक्वेशन डिपेंड कर रहा था, सेकंड इक्वेशन डिपेंड कर रहा था जो तुम अभी लिखो, बट दोनों को जब ऐड कर दिए टोटल डिपेंड नहीं कर रहा क्योंकि फ्रेम ऑलरेडी फिक्स हो गया बी के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ लिख लो नीचे हेंस टोटल, हेंस द टोटल वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स, द टोटल वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स इज फ्रेम इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट फ्रेम से इंडिपेंडेंट होता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है,
किसी भी फ्रेम से निकालो, इंटरनल फोर्स का टोटल वर्डन सेम आने वाला है। लिख लिए? चलो अब जस्ट अभी क्लोज करेंगे, इंटरनल फोर्स वर्डन खत्म होने वाला है। जस्ट थोड़ा सा तुमको बोल दे इसमें कुछ बोलना है, ध्यान दो अपने सिस्टम में ऑब्वियसली इंटरनल फोर्स लोग वो चीज लोगे तभी इंटरनल फोर्स का कोई सेंस बनता है, ठीक है। एक चीज के अंदर इंटरनल फोर्स का सेंस अभी नहीं है, सोचोगे तो उसमें भी लिया जा सकता है, बट इस लेवल पर हम बात नहीं करेंगे। अगर कोई बोलेगा उसके अंदर भी तो एटम्स है, मॉलिक्यूल्स है, उनके बीच भी तो इंटरेक्शन हो रहा होगा, तो उस लेवल का हम लोग बात क्लासिकल मैकेनिक्स में नहीं करने वाले। अभी जस्ट यहाँ देखो दो ब्लॉक लिए थे हम लोग, और भी अपने सिस्टम में ब्लॉक ए था, ब्लॉक बी था। तो हम बोल रहे हैं अगर ए ब्लॉक जितना डिस्प्लेसमेंट किया वो अगर बी ब्लॉक के डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो गया तो टोटल वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स जीरो हो जाएगा। लेकिन हमेशा ये हो कोई जरूरी नहीं है, मतलब टोटल वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स जीरो हो भी सकता है और जीरो नहीं भी हो सकता। जीरो कब होगा? जब उस तुम्हारा जो जो पार्टिकल है ऑब्जेक्ट है उनका डिस्प्लेसमेंट अगर सेम है, लगातार दोनों साथ चल रहा, तो वर्क डन टोटल निकालोगे इंटरनल फोर्स का तो जीरो आएगा, बट हमेशा नहीं आएगा। अगर नॉर्मल के द्वारा तुमसे कोई पूछे टोटल वर्क डन कितना होगा तो क्या बोलोगे? जीरो, क्योंकि नॉर्मल तब लगेगा दोनों साथ चलेगा, और दोनों साथ चलेगा तो डी आर ए इज इक्वल टू डी आर बी हो जाएगा, और टोटल वर्क डन डी आर ए माइनस डी आर बी कितना हो जाएगा? जीरो। नॉर्मल एक ऐसा इंटरनल फोर्स है जिसके द्वारा टोटल वर्क डन जीरो होता है। लिख लो इंपॉर्टेंट पॉइंट में, टोटल वर्क डन बाय द नॉर्मल फोर्स इज ऑलवेज जीरो। टोटल वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन इज ऑलवेज जीरो। रीजन चूंकि दोनों पार्टिकल कॉन्टेक्ट में है, एक साथ चल रहा है, तो हर छोटे टाइम में डी आर ए और डी आर बी बराबर होगा, तो ये डॉट प्रोडक्ट जीरो आने वाला है। टोटल वर्क डन, अगेन ध्यान रखना टोटल बोले, इंडिविजुअल का वैल्यू कुछ भी आ सकता है, बट टोटल जीरो आएगा। इसका मतलब ये हुआ दो चीज अगर कॉन्टेक्ट में है, ये अगर इस पे पांच जूल का वर्क करेगा नॉर्मल, ये वाला माइनस पांच करेगा, ताकि पांच माइनस पांच कितना हो जाए? जीरो। तो टोटल जीरो हो जाएगा, ठीक है। ऐसे हम बोले दो ब्लॉक कॉन्टेक्ट में, ए ब्लॉक जो बी ब्लॉक पे 50 जूल का वर्क किया नॉर्मल से, अगेन बोल रहे नॉर्मल, ए ब्लॉक का नॉर्मल बी ब्लॉक पे 50 जूल का वर्क किया, तुम बोलोगे भैया बी ब्लॉक का जो नॉर्मल है वो ए ब्लॉक पे माइनस 50 करेगा, चूंकि हमें पता है टोटल कितना आने वाला नॉर्मल का वर्क डन? जीरो। ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो मतलब ये तुम खुद से भी समझ सकते हो, कभी आया तो सोचो, देखो फोर्स है तुम्हारे पास, एक्सप्रेशन है, सोचो आ जाएगा आंसर, पर जस्ट बता दे तुमको डायरेक्शन, उस डायरेक्शन में भी दिमाग चला जाए, ठीक है। तो ऐसे ही है, कोई दूसरा इंटरनल फोर्स है सोचो वहां पे जीरो होगा या नहीं, अगर दोनों साथ चल रहा है हमेशा दोनों का डिस्प्लेसमेंट सेम है तो बोलोगे हाँ जीरो होगा, नहीं होगा तो फिर तुम सॉल्व करो, जैसे वर्क डन निकालना चाहते हो इंटीग्रेशन करो, सॉल्व करो, जो आया आंसर वो आंसर होगा, तो कुछ नया इसमें नहीं। हाँ इंपॉर्टेंट इसमें यही पॉइंट था कि इंटरनल फोर्स का टोटल वर्क डन जो फ्रेम पे डिपेंड नहीं करता, खासियत ये किसी फ्रेम से निकालो इंटरनल फोर्स का टोटल वर्क डन सेम आने वाला है, ये एक्सप्रेशन से भी अपने को दिख रहा है। चलो तो होपफुली अपना हो गया, इंटरनल फोर्स खत्म हो गया। अगला सेक्शन जो अपना है कंजर्वेटिव एंड अनकंजर्वेटिव फोर्स, वही पाथ इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट जो बार बार बोल रहे हैं ना, तो अपना लगभग हो चुका कवर, जस्ट उसको वहां पे एक साथ हम ये करके अच्छे से लिखवा करके तुम्हारा वो भी फिनिश हो जाएगा, और उसमें अब तुमको नया कुछ लगेगा नहीं, ठीक है। तो चलो ये इंटरनल फोर्स खत्म, अगला सेक्शन हम लोग पहले स्टार्ट करेंगे, कोई डाउट है तो क्विकली पूछो इसी भी तरह। इसको हम करने वाले हैं स्टॉप।